पांचवी बार वो नहीं जा रहे हैं ईडी के सामने। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि पांच समन के बाद भी वो जो कानून व्यवस्था है उसका उल्लंघन कर रहे हैं और ईडी के पास नहीं जा रहे, क्योंकि जानते हैं कि क्या क्या भ्रष्टाचार किया है और क्या क्या कारनामे हैं और उनका जवाब नहीं देना चाह रहे। लेकिन जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि पांचवी बार ईडी के समन पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के आगे नाटक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल का एक ही नारा, काम जीरो और ड्रामा सारा। तो ये ड्रामा जो है वो चारों तरफ दिखाई दे रहा है कि जब कानून व्यवस्था, नियम व्यवस्था आपको पालन करनी होती है और अगर आप मुख्यमंत्री किसी राज्य के हैं तो जाहिर तौर पे कानून व्यवस्था ही आपके लिए नियम कानून का भी कोई महत्व होता है, उसका उल्लंघन करते हुए, जानते हुए कहां कहां भ्रष्टाचार किया और क्या क्या गलत काम किया है, वो व्यक्ति कानून को अवॉइड करते हुए नाटक में लगा हुआ है। और ये नाटक, चाहे सारे भ्रष्टाचार के आप कारनामे उठा के देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर स्कूलों की व्यवस्था, सब जगह इन्होंने भ्रष्टाचार किया और बड़े बड़े अखबार और एडवर्टाइजमेंट इन्होंने छापे हैं और वो जितनी एडवर्टाइजिंग इन्होंने की है उसी से जाहिर होता है, पता चलता है कि किस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम, मीडिया का गैर नियमित इस्तेमाल करने का काम इन्होंने किया है और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। मुझे याद पड़ती है वो बात जब अन्ना हजारे जी के साथ इन्होंने शुरू किया था रामलीला मैदान के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम, और उस समय पर कहा जाता था कि कोई भी अगर व्यक्ति पोजीशन पर है तो पहले रिजाइन करे उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करे। यहाँ तो सिटिंग सीएम है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और वो इन्वेस्टिगेशन को ही ज्वाइन नहीं कर रहा है, जो इस्तीफे की बात है वो तो बहुत दूर की बात है। तो मैं आपके माध्यम से जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं उसी को वापस जनता के सामने लाना चाहती हूँ कि गुमराह जनता अब होने नहीं वाली। आप किसी को एक बार गुमराह कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं, लेकिन लगातार और बार बार आप गुमराह नहीं कर सकते, और यही कारण है कि इन्होंने जो अव्यवस्था पैदा की है उसके लिए कोई और नहीं, ये व्यक्ति खुद जिम्मेवार है। शीश महल से लेकर लिकर स्कैम, शराब घोटाला, हर जगह पे शराब के ठेके और वो भी गैर कानूनी, स्कूलों के अंदर घोटाला, फर्नीचर के अंदर घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, कोई जगह नहीं छोड़ी है जहां इन्होंने घोटाला ना किया, और जब इनसे पूछा जाए, सवाल उठाया जाए तो नाटक और ड्रामा चालू। और मैं वकील रही हूं एक समय में, थोड़ा बहुत जजेस को अंडरस्टैंडिंग है, कानून व्यवस्था की अंडरस्टैंडिंग है, और उस अंडरस्टैंडिंग में मैं ये बिल्कुल वॉर्न करना चाहती हूँ कि ये जो कैंपेन स्टाइल है ना, ये शायद कम समझदार जो आपकी कैप्टिव ऑडियंस है, आपकी पार्टी के लोग हैं, उनके बीच में प्रचलित जरूर हो सकता है, लेकिन कोर्ट कचहरी और अथॉरिटीज के पास इस तरीके की बेहुदी हरकतों के लिए कोई पेशेंस नहीं होती।